टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते हैं कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इस पुस्तक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, चाहे आप गृहिणी हो या विद्यार्थी, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है आप स्वयं। ऐसा कहा है हक्सले ने। मुझे खुशी है कि टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पाठकों को इतनी पसंद आई और उपयोगी लगी कि पिछले 5 सालों में इसके कई संस्करण हाथों हाथ बिक चुके हैं। पाठक अपने पत्रों में बार बार एक ही शिकायत करते थे कि यह कुछ ज्यादा ही छोटी है, इसे जानबूझकर छोटा रखा गया था। इसके पीछे सोच यह थी कि समय प्रबंधन के पुस्तक में समय बचाने के तरीके बताए जाते हैं, इसलिए इसे पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन लेखक हमेशा से पाठकों की सलाह मानते आए हैं, इसलिए पाठकों की मांग पर अब इस पुस्तक को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, बस थोड़ा सा। मूल संस्करण में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 10 सिद्धांत बताए गए थे, इस संस्करण में 30 सिद्धांत दिए जा रहे हैं ताकि पाठकों को ज्यादा लाभ हो सके। पिछले 5 सालों में हुए शोध में मैंने जो कुछ भी नया और उपयोगी सीखा है तथा जिसे समय प्रबंधन के क्षेत्र में कारगर पाया गया है, उस सभी का सार इस नवीन संस्करण में शामिल है। इस संस्करण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पुराने संस्करण के मल्टीटास्किंग वाले सिद्धांत को हटा दिया गया है। नए शोध से पता चला है कि मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय में कई कार्य करना पुरुषों के लिए काफी मुश्किल होता है और इससे एकाग्रता तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी भी आती है। जैसा साइरस ने कहा है, एक समय में 2 काम करने से एक भी नहीं होता है। इस पुस्तक को नए स्वरूप में लाने के लिए मैं प्रकाशक विकास राखेजा का बहुत आभारी हूँ, जिनकी निरंतर प्रेरणा और सतत आग्रह के बिना यह कार्य संभव नहीं था। डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अगर आप नहीं तो फिर कौन, अगर अभी नहीं तो फिर कब। खंड 1, 3 बुनियादी सवाल। पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियां सिर पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जागकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है, यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज है, जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 3G और 4G मोबाइल्स हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान क्या है? यदि आप किसी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पाले और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना ले, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं नहीं,
मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम करें। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण यह था कि ज्यादातर लोगों के पास घड़ी थी ही नहीं। पहले अलार्म घड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, मुर्गी की बांग ही काफी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। तो इस पुस्तक को आगे सुनने से पहले यह बात अच्छी तरह समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधन के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। कई बार सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है। किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है। लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसल रहा है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि करने में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान ले कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भृतहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हुए हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब कुछ हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा है चार्ल्स रिचर्ड्स ने। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसा कहा है सैमुअल स्माइल्स ने। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है, यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे।
ऐसा कहा है कार्ल सैंडबर्ग ने। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूलों का प्रयोग करके यह जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। आपके एक घंटे का मूल्य इक्वल टू आपकी आमदनी डिवाइडेड बाई काम के घंटे। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके एक घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान ले आप हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके एक घंटे का मूल्य होगा 20,000 भाग 200 = 100 रुपए। इस उदाहरण में यदि आप रोज एक घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी एक साल में 36,000 रुपए। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरे, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है, ऐसा कहा है थियोफ्रेस्टस ने। आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता, ऐसा कहा है फ्रैंक ए क्लार्क ने। खंड 2, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें, ऐसा कहा है सैमुअल लिविंसन ने। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहां तक चली। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट जाए। जैसे सुबह 6 से 6:30 उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। सुबह 6:30 से 7 पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। सुबह 7 से 7:30 टीवी न्यूज देखना। सुबह 7:30 से 8 नहाना और पूजा पाठ करना। सुबह 8 से 9 नाश्ता तैयार होना। सुबह 9 से 6 ऑफिस जाना। 6 से 7 आराम करना, टीवी देखना। 7:00 से 9:00 तक दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना। 9 से 10 टीवी देखना। 10 से 6 सोना। दिन भर में मोबाइल फोन पर बातचीत 45 मिनट। आप चाहे तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल सीट पर कर सकते हैं या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कर्मों में लग रहा है। मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या जरूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहां जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज न करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है।
जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी ना भूले कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहां और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन, कहां से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉग बुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक है या किन गतिविधियों में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा दें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं तो आप तैश में आकर जवाब देते, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है, वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहां हो रहा है। यह एहसास तो लॉग बुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक रखें। हेनरी फोर्ड ने कहा था, सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। अरस्तु ने कहा था, जिसे करना हमारी शक्ति में है उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। जिंदेला ब्रूयर ने कहा था, जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। और डग लार्सन ने कहा था, गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहां चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जानने के लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापाया जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत आर्थिक लक्ष्य बनाना है। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि
आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपए लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वो काम को टाल नहीं सकता। अब वो मूड न होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है, परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह ही होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगलाते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उसे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। सैम हेल्मस्टेटर ने कहा है, लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। मार्गरेट बोनानो ने कहा है, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। डेविड जॉर्डन ने कहा है, संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हट जाता है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। और किसी अज्ञात महापुरुष ने कहा है, अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है, इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे यह पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो न तो अनिवार्य है और न ही महत्वपूर्ण। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के सबसे पहले काम यानी A1 काम से शुरू करें, जो सबसे अनिवार्य काम होगा। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इस तरह ए कॉलम के सारे काम निपटा लें। ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में आपकी प्राथमिकताओं की कार्य सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए, अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बाल्टेशर ग्रिशियन ने कहा है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। सिडनी स्मिथ ने कहा है, उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। और विटियर ने कहा है, बोले या लिखे के सबसे दुखद शब्द है, मैं यह काम कर सकता था। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डॉग ने कहा था, आपके भविष्य का रहस्य आपके दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट्स ने तो एक बार अपने गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनके कीमती सेकंड बर्बाद न हो बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफी समय लग जाता है और सेल्समैन को तो अधिकांश समय यात्रा में ही बिताना पड़ता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप अपना सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टेप सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति का या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सके। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमेन बॉन्डी को इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। फ्रेडरिक नीत्से की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती हैं। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। ईएम ग्रे ने कहा है, सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। ब्रूटस हैमिल्टन ने कहा है, इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लादते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। मार्कस डी वोवेन रियूज ने कहा है, यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। और चार्ल्स कैलेब पोल्टन ने कहा है, हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत, काम सौंपना सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल, कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो कोई व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है,
परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोजकर उन्हें काम सौंपना सीख ले तो वह आगे भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति की संभावना धूमिल हो जाती है। बहरहाल दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका सदुपयोग करके ज्यादा तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत है, काम सौंपना सीखें। ज्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूं, या मैं इसे दूसरों से ज्यादा जल्दी कर सकता हूं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे यह उन्हें पसंद हो या न हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसमें बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख लें। काम सौंपने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस काम को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दे कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या योग्यता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, यह पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरते कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। वॉरेन बफेट कहते हैं, अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। ला रोस फुको ने कहा है, जो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। और नॉर्मन स्कैरबो ने कहा है, टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत, पैरेटो के 20-80 के नियम को जाने। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चीटियां भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं? ऐसा कहा है थोरो ने। पैरेटो का 20/80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाए। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20/80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है, पैरेटो के 20/80 के नियम को जाने। पैरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में पूरी तरह कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे।
बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाणक्य ने कहा है, शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं, इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ही चुने। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देता है, वो सिर्फ दूध पीता है। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू कर दें। ऐसा कहा है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत, पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसंस के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसंस का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सातवां सिद्धांत है, पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का। लक्ष्य चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वो अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। इसका एक और उदाहरण देखें। जब हम सैर सपाटा करने या लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के काम ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटाकर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज्यादा, लेकिन चूंकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है इसलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं और यह पार्किंसंस के नियम की वजह से संभव हो पाता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज्यादा सफल भी हो जाता है। मार्कस आरेलियस कहते हैं, हर दिन इस तरह जिए जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। डेनिस सुप्ती कहते हैं, जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। और माइकल अल्टशुलर कहते हैं, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का आठवां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविजन के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम छुट्टियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए रात का समय प्राइम टाइम हो सकता है और कईयों के लिए दोपहर का। आपका प्राइम टाइम चाहे सुबह का हो या रात का, महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है यह पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का आठवां सिद्धांत है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यदि आप सुबह के समय ज्यादा फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त होते हैं, यानी सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है, तो आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। अगर आप दोपहर में एक झपकी ले लें तो आप एक दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर की झपकी के बाद आप लगभग उतने ही फुर्तीले, ऊर्जावान और चुस्त हो सकते हैं
जितने की सुबह थे। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई बार तो एक घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर एक दिन में नहीं हो पाता। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे ठोस और सघन हो। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। एलन लेकिन कहते हैं, अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा। एक फारसी कहावत है, सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। और गीते कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का नवा सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात तो यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का नवा सिद्धांत स्वयं को व्यवस्थित करना है। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज किसी ऐसे जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी, असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जरूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिरदर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता तथा ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे फोन पर। फोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है, परंतु अगर हम फोन पर गैर जरूरी बातें करते हैं और जरूरी बातें भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। मेलेनी बेंजामिन कहते हैं, दिन भी कितनी रहस्यमय चीज होते हैं। कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हो कि इसका क्या करें। और चार्ल्स डार्विन ने कहा है, जो व्यक्ति एक घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दसवां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दसवां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल, पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय कॉफी इत्यादि, 2 घंटे टीवी सीरियल, टीवी न्यूज, अखबार पत्रिकाएं, पुस्तकें, 1 घंटा ऑफिस जाना आना, यात्रा में लगने वाला समय, 1 घंटा सामाजिक जीवन,
दो घंटे पारिवारिक जीवन, 8 घंटे कामकाज, नौकरियां, बिजनेस। संक्षिप्त टाइम टेबल। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास जरूरत से ज्यादा काम होता है तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। टॉम ग्रीनिंग कहते हैं, सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। पीटर ट्रूला का कहना है, बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविजन देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। और विलियम पेन कहते हैं, हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल ना करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाए हैं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती है। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है, कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजनाओं के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। हेनरी रॉस पेरा कहते हैं, यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है, यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दुगुना काम कर पाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं।
अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए आपको उस क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के वृहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहम या मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उनसे ज्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्यक्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगोती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नर्म होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की। यदि वह महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बदलना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काटकर छौंक देना चाहिए, फिर आटा गूंथकर दूसरे चूल्हे पर दाल बघार देना चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्य कुशलता, उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जाए। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा न हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र के सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? तो फिर समय बर्बाद न करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। चार्ल्स सूर्ज कहते हैं, जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। सेंट ऑगस्टीन ने कहा है, ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो, इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। और रिचर्ड सेसिल ने कहा है, कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीजें पैक कर सकता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से ले। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तक तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय में तय हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी, इसलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं,
कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी ऐसा ही खूंखार कुत्ता माने जो आपसे ज्यादा तेजी से काम करा लेता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है, डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में ही पूरा कर लेता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 मिनट 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकंडे को बखूबी आजमाती है। वे विज्ञापन देती हैं कि अमुक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो रही है, अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले ले। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती है कि अमुक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं, अगर अभी कार खरीद लोगे तो फायदे में रहोगे। ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन न दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाएगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान ले कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वो महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 3 से 4 सौदे ही करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचाने और उसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा लें। जोस बिलिंग्स कहते हैं, समय भी धन जैसा होता है, या हमारे पास जितना कम होता है हम इसका इस्तेमाल उतनी ही ज्यादा किफायत से करते हैं। दांते ने कहा है, जो सबसे ज्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज्यादा दुखी होता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, अमर होने से उस व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। और माइकल एफ ट्रेलर कहा करते थे, अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं हो पाती। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती, उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरकस कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचे, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत पर का पालन करें, समय खरीदना सीखें। देखिए, खंड 1 में आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपए था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसके लिए आने जाने का लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है।
यदि कोई एजेंट 20 रुपए लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए डेढ़ घंटे का मूल्य है 150 रुपए। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपए में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखे, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय बचाती है। यह डेलीगेटिंग या काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके एक घंटे का मूल्य 100 रुपए है और सामने वाला आपका एक घंटे का काम 10 रुपए में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति विज्ञानी लुईस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं दिखा सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे मोटे काम करना चाहते हैं, भले ही चक्कर में उनके बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण काम न हो पाए। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा ले। अगर आपके एक घंटे का मूल्य 100 रुपए है और एक घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपए कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपए का फायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपए का नुकसान हुआ है। जिम रोन ने कहा है, समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। जिग जिगलर कहते हैं, आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग कहते हैं, कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलता है, धन ही समय है। और चीन की एक कहावत है, 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं, हम चाहे तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतम आराम कर सकते हैं, हम चाहे तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी यह सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है। दूसरा कर्मचारी करियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेता है। अब आप ही बताएं कि इन उदाहरणों में ज्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है, हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत है, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसका एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधन संभालना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1-2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी।
दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह 10 घंटे पढ़ता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख की खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, जबकि दूसरे सेल्समैन के लिए भविष्य का दीर्घकालिक आनंद महत्वपूर्ण। ने कहा है, जब आप शहद की तलाश में जाते हैं तो आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी। और चार्ल्स ई हमेल ने कहा था, हमारी दुविधा समय की कमी से ज्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है, बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट समय के बड़े पाबंद थे। वे हर शाम को 3:30 बजे घूमने जाते थे और इसमें एक मिनट भी इधर से उधर नहीं होता था। उनकी समय की पाबंदी से उनके पड़ोसियों को यह लाभ होता था कि वे इससे अपनी घड़ी मिला सकते थे। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह 6:00 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और आपको इसमें आलस कम आता है। दूसरी ओर अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। खासतौर पर अप्रिय कामों के लिए यह आदत बड़ी कारगर होती है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसका निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको सेल्स में कोल्ड कॉल करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत है, निश्चित समय पर काम करें। निश्चित समय पर महत्वपूर्ण काम करने की आदत डालने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको वह काम करने में आलस नहीं आता है और आप आदतन बिना सोचे समझे उसे करने में जुट जाते हैं। दूसरे, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरे, आपको उसमें आनंद आने लगता है जिससे काम सरलता से हो जाता है। चौथे, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी या ज्यादा अच्छी तरह करने के तरीके खोज लेते हैं। पांचवे, जब आप नियमितता से एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती है। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। फ्रांसिस बेकन ने कहा है, समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। कार्लाइल ने कहा है, प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता रहता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। और अर्नेस्ट न्यूमैन ने कहा था, महान संगीतज्ञ प्रेरित होने के कारण काम करने नहीं बैठता, वह तो काम करते समय ही प्रेरित होता है। बिथोवान, वैगनर, बाक और मोजार्ट हर दिन उतनी ही नियमितता से काम करने बैठते थे जितनी नियमितता से कोई अकाउंटेंट हर दिन हिसाब किताब मिलाने के लिए बैठता है। प्रेरणा का इंतजार करने में उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अत्यावश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे, या और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती है, अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती है, या और कुछ नहीं, बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींच रहा है। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए।
याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों के पर कतरने की परंपरा है। इसलिए आपका ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएगा और वे उसमें अपनी ओर से बाधा डालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है, अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी यह ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपने एक नई आदत डाली है या आप कितने ऊपर पहुंचना चाहते हैं। अगर आप डींगे हांकने या अपनी योजना बताने के प्रलोभन से बच जाएं, तो आपका इरादा किसी को नहीं पता चलेगा और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह पता न चलने दें कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने। देखिए, हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती है, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर पर कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा, पड़ोसी का गपशप करने का मूड हो जाएगा, पत्नी या बच्चों को कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपके बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन पर कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करने के मूड में हो सकता है। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें, ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर न हो। मिलने जुलने वाले से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से यह कहना सीखे कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फोन पर भी अपनाएं। वैसे मोबाइल फोन को तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी ही रोचक नीति अपनाता है। उसके घर में दो दरवाजे हैं और जब उसे किसी आगंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता, तो वो सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है, ताकि आगंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद न हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहे तो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों के नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के उपाय सोच कर रखें। अपॉइंटमेंट के बिना किसी से न मिलें और अपॉइंटमेंट की अवधि सीमित रखें, जैसे हम इस बारे में शाम 4 से 4:15 तक बातचीत करेंगे। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूनेल के ऑफिस में केवल एक ही कुर्सी रखी रहती थी, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आता था, तो वे उसे कुर्सी दे देते थे। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता था, तो वे कुर्सी पर खुद बैठे रहते थे। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा, तो केवल काम की ही बातें हो सकती है, फालतू बातों का माहौल नहीं बन पाता। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी, तो वे मैनेजरों को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता, जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए, ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। एक दिन बिस्मार्क एक अंग्रेज राजदूत से बातचीत कर रहे थे। कुछ समय बाद राजदूत ने बिस्मार्क से पूछा, आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो आपका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं? बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। जिस पर बिस्मार्क यह कह रहे थे, उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा कि उनकी पत्नी उनसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। नेपोलियन ने कहा था, कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेसकीमती चीज समय को चुराता है। सर ओस्बर्ट सिटवेल ने कहा था, समय काटने का मतलब दरअसल यह है कि समय हमें काट रहा है। थॉमस सोवेल ने कहा था, जिन लोगों के पास खाली समय होता है, वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करेंगे। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा था, मेरी सलाह यह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। और डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने कहा था, आम अमेरिकी कर्मचारी के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है, जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे, जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करेगा, ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें।
आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डाले। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की ही नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है, जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं, बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रखेंगे। एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पाम्सटन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पाम्सटन से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वे इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे। पाम्सटन का जवाब था, बहुत आसान है, यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा, यही है अनुशासन। पाम्सटन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन के गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़े और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते जाएं। एंडी वारहोल ने कहा था, लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। मार्कस डे डेफेंस ने कहा था, दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। और एक बार कंपेरेट ने कहा था, आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। देखिए, यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस उदाहरण में हमने क्या देखा, कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। मानसिकता के इस अंतर को कभी ना भूले, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। मिसाल के तौर पर 2 सेनाएं लड़ रही हैं और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के लिए अलग अलग रहे। एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जबकि दूसरी को पराजय का कलंक झेलना पड़ा। एक और उदाहरण देखें, 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती है, एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है उनके पतियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी महिला का पति इस बात पर वाह वाह करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वह इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई? जवाब आप खुद जानते हैं। तो यह बात अच्छी तरह समझ लें कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई बॉस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। किसी काम में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब यही होगा, 10 से 5 का समय। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, अपना योगदान बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखें, अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है तो क्या वह 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
या उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि उसमें कितना समय लगा। इस संदर्भ में एक अपवाद है, लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं, तब आप बॉस की नजरों में ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे, अपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया। इस बात से वह बहुत प्रभावित होगा और यह आदत आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर तक ले जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिणाम उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा है, अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर तेजी से ना चढ़ें। तेजी से काम करने में तभी फायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नजरिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। हॉवर्ड डब्ल्यू न्यूटन ने कहा था, लोग यह बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया। फोर्ब्स ने कहा था, एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है। विंस लंबार्डी ने कहा था, हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यांकन सिर्फ एक ही चीज के आधार पर होगा, परिणाम। मोंटापट ने कहा था, गति और प्रगति में गफलत न करें। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है, लेकिन प्रगति नहीं करता। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिकाएं निभानी होती है, और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फोन समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लें, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, यह तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह मुश्किल डगर है। आपको बत्तख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं की बाधाओं से बचते बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं, कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट का काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। हमारी एक रिश्तेदार है जिसे अपने घर में सब्जियां या किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। परिणाम यह होता है कि उसके पति को अक्सर बाजार जाना पड़ता है। पति कहता है, आज तो भजिया खाने का मन हो रहा है। पत्नी जवाब देती है, तो बाजार से जाकर बेसन ले आओ। पति कहता है, आज हलवा बना दो। पत्नी कहती है, जाकर रवा ले आओ। इस तरह वो महिला अपने पति को लगभग हर दिन कोई ना कोई सामान लाने बाजार भेज देती है। पति भी इतना भला मानुस है कि बिना उफ किए रोज चल देता है। अगर पति पत्नी समय के संदर्भ में सजग होते तो वे योजना बनाकर एक ही दिन में हफ्ते भर का सामान मंगा लेते, जिससे 7 दिन का समय खराब नहीं होता। इस तरह के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। इंटरनेट पर ईमेल चेक करने गए और सर्फिंग करने में 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए। दरअसल आपको यह संकल्प कर लेना चाहिए कि आप महत्वहीन काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण कामों में ही पूरा समय देंगे। वैसे आप सप्ताह में 1 दिन छुटपुट घरेलू कामों के लिए अलग रख सकते हैं। उस दिन योजना बनाकर अपने सभी पेंडिंग काम निपटा लें। अगर कोई काम ऑफिस के रास्ते में हो सकता है तो उसके लिए अलग से समय बर्बाद न करें, बल्कि उसे ऑफिस आते जाते समय निपटा लें। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना है तो लंबी लाइन में लगने के बजाय इंटरनेट पर घर बैठे बैठे ही रिजर्वेशन करवा लें। इसमें आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय बच जाएगा। यानी यहाँ भी आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और पैसा देकर समय खरीद रहे हैं। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू बर्बाद न करें। यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में सही है। इन कामों में बहुत एकाग्रता की जरूरत नहीं होती है और इनमें समय भी बर्बाद होता है, इसलिए इन्हें अपने खाली समय में करें। जब आप बहुत थके हो और अपने दिमाग को एकाग्र न कर सकते हो, सुबह सुबह टीवी से भी दूर रहें। सुबह तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पढ़ें। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो और आप योजना पर कितनी ही निष्ठा से चलते हो,
कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यही वो समय है जिसमें आपको अपने छुटपुट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए, या टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर है। इस संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जुकर का उदाहरण याद रखें, जिन्हें आंतों का कैंसर था। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे ताकि दो दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस आ सके। काम करने के लिए आप कौन सा समय चुनते हैं उसी से सारा फर्क पड़ता है। गोल्डा मायर ने कहा था, मैं घड़ी की नहीं बल्कि घड़ी मेरी गुलाम है। जेम्स एलन ने कहा था, सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से ये चार सवाल पूछें, क्यों, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। और डैन मिलमैन ने कहा था, मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पे होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत, सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। यह बात मैं अनुभव से जानता हूँ। कभी मैं भी रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठता था। और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। लोग यह तर्क दे सकते हैं, कभी मैं भी देता था, कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है। रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह होता है और रात को भी चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये तर्क लचर है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। यकीन न हो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूमकर देख लें। एक बात जान लें, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह यह दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दोपहर में 3 घंटों में हो पाएगा। सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता, अखबार भी देर से आता है, बच्चे भी प्रायः देर से उठते हैं, इसलिए आप पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में तो नियम यह है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाएं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा। ऑफिस जाने से पहले भी आपके पास 4-5 घंटे का समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। दूसरी ओर जल्दी सोने की आदत से भी आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं। आपको देर रात की पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली ज़्यादा स्वस्थ हो जाती है। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली ज़्यादा स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। वे न सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में रहते थे बल्कि प्रकृति की लय में कार्य करते थे। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता था कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर सो जाते थे। इस तरह वे अपने शरीर को प्रकृति के सामंजस्य में रख रहे थे। आज आधुनिकता की होड़ में कृत्रिमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क ही टूट चुका है। रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है और वह सुबह देर से उठता है। नतीजा यह होता है कि उसका हाजमा खराब होता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होता है और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत है, सुबह जल्दी उठें। द माफिया मैनेजर ने कहा था, यदि आपका पड़ोसी जल्दी उठता है तो आप उससे भी ज़्यादा जल्दी उठें। अल्बर्ट हार्बर्ट ने कहा था, सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। हेनरी बीचर ने कहा था, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। इंसान सोचता तो है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उसे यह लगता ही नहीं है कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मजा नहीं आता है। अक्सर वह ऐसा खाना खाता है
जो उसकी पत्नी या बच्चों की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वह थका मांदा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। आपको हर दिन एक घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, 23 घंटे दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए, और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे? यही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती है, और आप हैं कि इसी का पेट चीरने पर आमादा हैं। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट चीजें खाते रहते हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं होती, और जिस व्यायाम की इसे जरूरत होती है उसे आप कभी नहीं करते हैं। अब आप ही बताएं कि यह शरीर के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? ध्यान रहे, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है? इसलिए क्योंकि इस 1 घंटे का असर आपके बाकी 23 घंटों पर रहेगा। व्यायाम तो एक निवेश है जिसका आपको समय प्रबंधन के संदर्भ में कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है। तीसरे, इससे आपका आलस दूर हो जाता है और आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे जोश से करने में जुट जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर गठीला रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो अच्छा हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षक और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह से करें। अक्सर लोग कहते हैं मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन जरा ठहरें, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 19वें सिद्धांत को याद करें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। महत्वपूर्ण तो यह है कि उस आधा घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेजी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही सीमित न रखें। जॉगिंग करें, योगा करें, वेट लिफ्टिंग करें, ताकि व्यायामों की विविधता रहे। 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय के पहले रहता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और ताज़ा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देता है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, छत की मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। एडवर्ड स्टेनले ने कहा था, जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और सुकरात ने कहा था, जो दुनिया को हिलाना चाहता है सबसे पहले उसे खुद हिलना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 23वां सिद्धांत, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी वजह से नहीं हुआ। वैसे फेसबुक भी बहुत तेजी से इस श्रेणी में आता जा रहा है। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। जरा गौर से सोचें, अगर आपने टीवी नहीं देखा तो क्या आफत आ जाएगी? अक्सर होता यह है कि हम यह सोचकर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आधा घंटे देखूंगा, आधा घंटे बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कार्यक्रम दिख जाता है, और इस तरह कब 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में आपके बहुत से जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। टीवी के बहुत से समर्थक इसके शैक्षिक महत्व का दावा करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ शैक्षिक महत्व के लिए टीवी देखता हो। अगर शिक्षाएं ग्रहण करनी है तो टीवी से बेहतर विकल्प मौजूद है, पुस्तकें पढ़ें या इंटरनेट से जानकारी लें। वैसे यदि आप टीवी पर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखते हैं तो यह अध्याय आपके लिए नहीं है। मेरे एक परिचित है जिनके यहाँ टीवी सुबह से रात तक चलता रहता है। सुबह वे खुद न्यूज़ देखते हैं, बीच बीच में बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लेते हैं, दोपहर में पत्नी के सीरियल्स और गाने चलते हैं, शाम को वे खुद घर लौटकर न्यूज़ और सीरियल्स देखते हैं, बीच बीच में बच्चों के कार्टून चलते रहते हैं, यानी पूरा दिन टीवी के प्रति ही समर्पित होता है। टीवी उनके परिवार का एक स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका है। और तो और, वे खाना भी टीवी देखते हुए ही खाते हैं, जिससे न तो उन्हें खाने का स्वाद आता है
ना ही उन्हें यह अंदाजा रहता है कि वे कितना खा गए। नतीजा यह होता है कि वे जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और दिनों दिन मोटे होते जाते हैं। बच्चे कितनी देर तक टीवी देखते हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण देखें। चौथे ग्रेड की क्लास में एक सर्वे किया गया कि विद्यार्थी कितने घंटे टीवी देखते हैं। तब उस क्लास में अमेरिकी संगीतकार रॉब जॉम्बी भी पढ़ते थे। रॉब के शिक्षकों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि रॉब एक दिन में 9 घंटे टीवी देखा करता है। उन्होंने रॉब से पूछा कि रात को देर तक जागे बिना वह इतने समय टीवी कैसे देख लेता है। उसका जवाब था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और कई बार तो मुझे कृषि संबंधी कार्यक्रम देखने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सुबह वही कार्यक्रम आते हैं। इस प्रसंग को कई साल हो चुके हैं। अब तो 24 घंटे मनपसंद कार्यक्रम चलते रहते हैं और अपने मन पर काबू रखने के लिए काफी अनुशासन की जरूरत होती है। यदि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बेहतर साधन है। अखबार हमें पूरे संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्ञान बढ़ाता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नजर डालकर देख लें। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर का 100वां शतक बना दिया तो उसके विस्तृत विवरण पढ़ने से क्या लाभ है जब तक कि आपके क्रिकेट में रुचि न हो। कैटरीना कैफ या सलमान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको क्षणिक आनंद के सिवा क्या मिल रहा है। अखबार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसालेदार खबरों के बजाय केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक खबरें ही चुने क्योंकि इस तरह आपका बहुत सा समय बच सकता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि अपने काम से काम रखें और दिगर बातों को नजरअंदाज कर दें। और यह बात टीवी और अखबार के संदर्भ में ही नहीं हर चीज पर लागू होती है। ब्रिटिश गायक क्रैग डेविस जैसे न बने जो हर दिन अपनी दाढ़ी सवारने में 40 मिनट बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इस सिद्धांत पर अमल करते हैं तो आप कम से कम आधे घंटे का समय बचा लेंगे जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटा सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा था, इस तरह सीखें जैसे आप हमेशा जिंदा रहेंगे, इस तरह जिए जैसे आप कल ही मरने वाले हो। सेनोन ने कहा था, बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका टीवी उत्कृष्ट सेवक लेकिन भयंकर मालिक है, चुनाव आपका है। और पीटर ड्रकर ने कहा था, इससे ज्यादा निरर्थक कुछ नहीं है कि आप वो काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 24वां सिद्धांत, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। जरा सोचें, मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, और तो और गेम्स खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। एक छोटे से मोबाइल की बदौलत आज दुनिया सचमुच हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरें, जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहां समय मिला मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। अधिकांश मोबाइल फोन्स में से घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अत्यधिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, नपुंसकता, कैंसर, गर्भपात, क्षतिग्रस्त डीएनए की विकृति जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करें उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन मोबाइल की महामारी दिन दुनी रात चौगनी गति से बढ़ती जा रही है। एक अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका के लोग लगभग 3 घंटे का समय अपने मोबाइल इंटरनेट पर बिताते हैं जिसका 2/3 हिस्सा इंस्टेंट मैसेजिंग में इस्तेमाल होता है। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। मेरी एक परिचित विद्यार्थी है जिसके माता पिता ने उसे IIT के परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया, कोचिंग की भारी भरकम फीस भरी, लेकिन वह लड़की पढ़ाई करने के बजाय कमरा बंद करके मोबाइल पर चैटिंग करती रही। नतीजा वही हुआ जो तय था, वह परीक्षा में पास नहीं हो पाई। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 24वां सिद्धांत है, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। मोबाइल से 2 तरफा समय बर्बाद होता है। या तो हम खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं या फिर इसके माध्यम से दूसरे हमारा समय बर्बाद करते हैं। जब भी किसी का मन होता है वह हमारे मोबाइल की घंटी बजा देता है। हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं कि बीच में ही कोई फोन आ जाता है जिससे काम का पूरा जोश ठंडा पड़ जाता है। मोबाइल के कारण हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते हैं। आधी रात को कोई मैसेज या फोन आकर हमारी नींद खराब कर देता है। इंटरनेट से भी हमारा समय बर्बाद होता है, लेकिन उसके ईमेल हमारी नींद खराब नहीं करते। ईमेल हम अपनी इच्छा से चेक करते हैं जबकि मोबाइल पर हमें हमेशा मौजूद रहना पड़ता है। मोबाइल पर समय की बर्बादी को देखते हुए
कुछ लोग दो मोबाइल नंबर रखते हैं, एक सबके लिए और दूसरा कुछ खास लोगों के लिए। वे अपना सार्वजनिक मोबाइल नंबर शाम को बंद कर देते हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान न करे, कोई महत्वपूर्ण कॉल छूट ना जाए। इसके लिए वे हर 2-3 घंटे बाद फोन चालू करके मिस्ड कॉल चेक कर लेते हैं। कई लोग अपने सेलफोन को साइलेंट मोड पर रखते हैं और मिस्ड कॉल देखकर अपनी सुविधा से बात करते हैं। मीटिंग में सेलफोन बंद कर दें, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच में मोबाइल की घंटी बजने से न सिर्फ आपकी बल्कि बाकी लोगों की भी एकाग्रता भंग होती है। मोबाइल आधुनिक युग की वह देन है जिसका फंदा आपके समय के गले में दिनों दिन कसता ही जा रहा है, और यदि आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो यह आपके ज़्यादातर समय का सत्यानाश कर देगा। इसलिए मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें और उससे बचने वाले समय का अधिकतम सदुपयोग करें। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, मित्र आपके समय पर डाका डालते हैं। किसी महान विद्वान ने कहा था, आप एक चीज़ को रिसाइकिल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय। और होरस मान ने कहा था, गुमशुदा कल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के 2 सुनहरे घंटे जिनमें हीरे के 60 मिनट जड़े थे। खोजने वालों को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 25वां सिद्धांत, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन जरा ठहरें, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। हर अच्छी चीज़ की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता है। यकीन न हो तो उन माता पिता से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है, इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। अगर आप अकारण ही 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको इस बारे में सजग हो जाना चाहिए। यदि आप समय बचाने का इरादा रखते हैं तो इंटरनेट के खतरे से सावधान रहें, इसमें सर्फिंग सबसे प्रमुख जोखिम होता है। होता यह है कि आप इंटरनेट पर किसी काम से जाते हैं, तभी आपको कोई आकर्षक साइट दिख जाती है, कोई विज्ञापन दिख जाता है और आप उस पर क्लिक करके दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। समय की बर्बादी का एक और कारण यह है कि जब आप कोई जानकारी सर्च इंजन में खोजते हैं तो आप सही तरीके से शब्दों का चयन नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि लाखों परिणाम आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं और सही जानकारी पाने में आपको बहुत समय लग जाता है। यदि आपको जानकारी खोजने का सही तरीका मालूम हो और आप सर्च इंजन में सही कीवर्ड्स डालें तो आपकी मनचाही जानकारी पलक झपकते ही मिल सकती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 25वां सिद्धांत है, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। और हाँ, इंटरनेट पर अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर काम करना चाहिए जिसकी गति तेज होती है, और अब तो 4G भी आ गई है तो आपको 4G पे ही काम करना चाहिए। सामान्य नेटवर्क कनेक्शन काफ़ी धीमा होता है जिसमें आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की रैम भी बढ़वा लें ताकि कंप्यूटर तेज गति से चले और डाउनलोडिंग स्पीड तेज रहे। कंप्यूटर की धीमी गति से आपका कितना समय बर्बाद होता है इसका आभास आपको नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा समय तक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो बेहतर है कि आप अपने कंप्यूटर की गति पर भी ध्यान दें। IDC के एक रिसर्च में यह तथ्य सामने आया कि लोग, खासतौर पर युवा, हर सप्ताह 33 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं, यानी लगभग 5 घंटे प्रतिदिन। समय का सबसे ज़्यादा उपयोग या दुरुपयोग फेसबुक में होता है जिसमें कई युवा 20 घंटे प्रति सप्ताह तक लगाते हैं। इसके बाद यूट्यूब, पॉर्न साइट्स, सर्च इंजन और ईमेल में सबसे ज़्यादा समय लगता है। यानी इंटरनेट का जितना भी उपयोग किया जाता है उसमें से ज़्यादातर समय अनुपयोगी कार्यों में बर्बाद होता है। यदि आप सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए इंटरनेट पर जा रहे हैं तो आपको इसके लिए समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह काम तो आउटलुक एक्सप्रेस या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी किया जा सकता है। बेहतर यही है कि आप सबसे पहले तो यह तय करें कि आप इंटरनेट पर क्यों जाना चाहते हैं और फिर उसी साइट पर वह आवश्यक जानकारी लेकर इंटरनेट बंद कर दें। इंटरनेट के दुरुपयोग से बचने का एक और अच्छा उपाय यह है कि आप ऐसे समय उसका उपयोग करें जिसके बाद आपको कोई अत्यावश्यक काम करना हो। इससे उसके दुरुपयोग का झंझट ही नहीं रहेगा। खासतौर पर रात के समय इंटरनेट का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी सीधी सी वजह यह है कि उस वक्त आपके पास खाली समय रहता है। यदि आप रात को जल्दी सो जाएं, तो इंटरनेट के अलावा भी बहुत सारे फालतू कामों से बच जाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और इंटरनेट पर होने वाले समय की बर्बादी के बारे में जागरूक रहें। एम स्कॉट पेक ने कहा था, जब तक आप खुद को मूल्यवान नहीं मानते हैं तब तक आप अपने समय को भी मूल्यवान नहीं मानेंगे। जब तक आप अपने समय को मूल्यवान नहीं मानेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ करेंगे भी नहीं। अल्बर्ट हबर्ड ने कहा था, हर इंसान दिन में कम से कम 5 मिनट तक निरा मूर्ख होता है। समझदारी इसी में है कि हम इस अवधि को बढ़ने न दें।
और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, अगर आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो पश्चिम की तरफ न जाएं। फ्रैंकलिन फील्ड ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, सफलता और असफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है, मेरे पास समय नहीं था। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण हुआ है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जरूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या ज़्यादा तला भुना भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता में बाधा आती है। आलस में आप ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और टाल मटोल करने या जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप शेरलॉक होम्स के दीवाने हैं तो आपको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब शेरलॉक होम्स कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत है, आलस से बचें। यह स्पष्ट समझ लें कि यहाँ पर भोजन करने में लगने वाले समय की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा भोजन करने के परिणामों की बात हो रही है। भोजन करने में तो कम समय लगता है, लेकिन भोजन के कारण उत्पन्न आलस के कारण ज़्यादा समय बर्बाद होता है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन में खाना खाने के बाद विद्यार्थियों को नींद के झोंके आने लगते हैं और रात को अगर डटकर खाना खा ले तो सीधे बिस्तर पर जाने की इच्छा होती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि रेस्टोरेंट में या किसी विवाह समारोह में भोजन करने के बाद आपको पेट भारी लगता है और आप जल्दी से जल्दी सो जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर सकते हैं? एक कारण तो यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं रहता है। दूसरा कारण यह है कि सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है। और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज़्यादा तेजी से चलता है, इसलिए हमें एक ही बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए ताकि हम पर आलस सवार ना हो। नियमित अंतराल पर कम आहार ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता और आपकी ऊर्जा व एकाग्रता का स्तर बना रहता है। आलस के कारण इंसान अपने महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता है, इसलिए अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखें और आलस नामक महारोग से बचें। थॉमस जेफरसन ने कहा था, खाने के बाद कभी किसी ने कम खाने पर अफसोस नहीं किया। जॉन क्विंसी एडम्स ने कहा था, आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 27वां सिद्धांत, टाल मटोल न करें। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। लेकिन यह याद रखें कि टाल मटोल समय प्रबंधन की दृष्टि से खतरनाक है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर लें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 27वां सिद्धांत है, टाल मटोल न करें। अब जरा यह समझ लें कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं। इसके कई कारण होते हैं, या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, या उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, या आपको वह काम इतना बड़ा नजर आता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। इसके अलावा कई बार तो हम इसलिए भी टाल मटोल कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती और हम सोचते हैं कि पूरी जानकारी के बगैर काम नहीं हो सकता। 100 बात की एक बात, टाल मटोल का कारण चाहे जो हो उसे दूर करें और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। या कभी न भूले कि बुलंद इरादों से हर समस्या सुलझ सकती है और कमजोर इरादों से हर समस्या विकराल हो लग सकती है। असल सवाल तो यह है कि आपका इरादा कितना बुलंद है। टाल मटोल का सबसे आम कारण यही होता है कि किसी काम को करने का हमारा मूड नहीं होता। देखिए, यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अच्छा काम करने का मूड कभी नहीं होगा। मन चंचल है और अगर सदियों से इसे वश में रखने को कहा जा रहा है तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा। मन कभी भी अच्छी चीज़ों की ओर नहीं जाता है क्योंकि उनके लिए अनुशासन और श्रम की जरूरत होती है। यह तो हमेशा क्षणिक सुख और आनंद के पीछे भागता है। सुंदर लड़कियों के साथ बातें करने का तो आपका मूड हमेशा रहता है, लेकिन आस्तीन चढ़ाकर और कमर कसकर मेहनत करने का आपका मन कभी नहीं होता। मन मेहनत से घबराता है,
इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मन या मूड के गुलाम न रहें, मन को अनुशासित करें और मूड हो या न हो काम शुरू कर दें। टाल मटोल करने का एक रूप काम को अधूरा छोड़ना भी है। आप किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं और यह सोचते हैं कि उसे कल पूरा कर लेंगे। जब कल आता है तो आपको यह याद करना पड़ता है कि आपने उस काम को किस मोड़ पर छोड़ा था, आपका लक्ष्य क्या था और आप उसे कैसे पूरा करने वाले थे। इस चक्कर में आपका बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि अगले दिन आपको उस काम को करने की फुर्सत ही ना मिले, इसलिए हमेशा काम पूरा करके ही लौट उठें। अगर काम बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और सिर्फ एक हिस्से को ही पूरा करने की योजना बनाएं। टाल मटोल करना एक लोकप्रिय बहाना है और जैसी स्पेनिश कहावत है, कल सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। विटनी ने कहा है, कुछ लोगों के पास हजारों कारण होते हैं कि वे अपना मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते, जबकि उन्हें तो बस एक कारण की जरूरत होती है कि वे उसे क्यों कर सकते हैं। किसी महान विद्वान ने कहा था, सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। और सर जॉन लुबाक ने कहा था, सच तो यह है कि लोग आमतौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 28वां सिद्धांत, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि रात को आपको बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने आप जवाब मिल गया, बिना सोचे हुए सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ था। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों ही सो रहे थे तो अवचेतन मन ने उस समस्या पर काम किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। यह चेतन मन के लिए मुश्किल कामों की आउटसोर्सिंग की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है उन्हें आपका अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। यदि आप वास्तव में समय प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना होगा। यही आपको ऐसे नए नए तरीके सुझाएगा जिनकी बदौलत आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने में कामयाब होंगे। एक रात पहले योजना बनाने से यह लाभ होता है कि रात भर में आपकी कार्य सूची आपके अवचेतन मन में समा जाती है। अगले दिन आपको अपने आप ही सही क्रम सूझ जाता है और आप खुद ब खुद कार्य सूची के मुताबिक काम करने लगते हैं। हो सकता है कि आपको काम करने का नया तरीका भी सूझ जाए। कई बार तो काम इसलिए अधूरा छूट जाता है क्योंकि हम काम के नहीं समय के संदर्भ में सोचते हैं। जैसे मैं यह काम एक घंटे तक करूंगा, इससे बेहतर तरीका यह है मैं इस काम का यह हिस्सा एक घंटे में पूरा करूंगा। अब अगर वह हिस्सा सवा घंटे में निपटता है तो सवा घंटे तक काम करें। सिर्फ समय भरने के लिए काम करने के बारे में ना सोचें, काम पूरा निपटाने के बारे में सोचें। इसका एक उदाहरण देखें। एक विद्यार्थी सोचता है मैं एक घंटे तक गणित पढ़ूंगा, दूसरा विद्यार्थी सोचता है मैं 10 सवाल करूंगा। अब आप ही सोचें किसकी प्रगति ज्यादा होगी? जाहिर है दूसरे विद्यार्थी की, इसलिए क्योंकि उसने काम का स्पष्ट लक्ष्य बनाया था। अर्नोल्ड एच ग्लास्को ने कहा था, सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। नेपोलियन हिल कहा करते थे, मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। क्योंकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज्यादा काम किए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। यहाँ हम शराब और सिगरेट के गुण दोषों पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वास्थ्य का विषय है। हम तो उनका विश्लेषण समय के संदर्भ में करेंगे। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए तो घातक है ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने और इसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। हमारे समाज में अभी घर पर सिगरेट पीने का रिवाज नहीं है, इसलिए युवक पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता।
इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 29वां सिद्धांत है, बुरी लतों से बचे। शराब तो समय को और भी ज्यादा बर्बाद करती है। अगर कहा जाए कि शराब समय को बर्बाद करने वाली सबसे बुरी लत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। वह न कुछ कर सकता है, न किसी जगह जा सकता है, न किसी से मिल सकता है, न ही फोन पर ढंग से बात कर सकता है। शराब पीने के बाद दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है। सो अलग यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिरदर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच सकता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती है जो आपका बहुत सा समय बर्बाद करती है। ये मनोवैज्ञानिक आदतें होती है जिनमें उलझकर आप अपना समय खुद बर्बाद करते हैं। एक प्रमुख आदत है दूसरों की बुराई करने या इधर की बात उधर करने की आदत। यह आदत समय प्रबंधन के लिहाज से बुरी है, क्योंकि इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होता है। बहस या लड़ाई करने की आदत में भी आपका बहुत समय बर्बाद होता है, तनाव होता है सो अलग। इसलिए इन आदतों से बचें। बड़बोलेपन से भी बहुत समय बर्बाद होता है। इस आदत को दूर करने के लिए सिकंदर महान के पिता फिलिप द्वितीय की एक घटना को याद रखें। सभी प्रमुख यूनानी शहरों पर कब्जा करने के बाद फिलिप द्वितीय ने लेसिडेमोन पर चढ़ाई करने का फैसला किया और वहां के नागरिकों को यह चेतावनी भरा पत्र भेजा, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम अविलंब समर्पण कर दो, क्योंकि अगर मेरी सेना तुम्हारे शहर में घुस गई तो मैं तुम्हारे खेत नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे नागरिकों को मार डालूंगा और तुम्हारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। लेसिडेमोन के लोग चाहते तो इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखकर भेजा, अगर। फिलिप को संदेश मिल गया और उसने लेसिडेमोन पर चढ़ाई का इरादा त्याग दिया। फिलिप ग्रिबल ने कहा था, आज बीते कल का परिणाम और आगामी कल का कारण है। आज बीते कल का परिणाम और आगामी कल का कारण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। और मार्कस आरेलियस ने कहा था, उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नजर नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30वां सिद्धांत, सापेक्षता के नियम को समझें। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आप लय में होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय आप जो काम करते हैं वह सहज ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप बिना कोशिश किए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। बेहतर यही है कि आप सापेक्षता के नियम को ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें, ताकि आप लय में काम कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाएं और दिलचस्प माने। मान लें आप सेल्समैन हैं और आपको अपने काम से नफरत है। ऐसे में आप 1 घंटे काम करने से ही थक जाएंगे और सोचेंगे कि बाकी का काम आप कल करेंगे। दूसरी ओर यदि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं, अपने पिछले रिकॉर्ड से प्रतिस्पर्धा करते हैं और आज एक नया कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, तो आपको यह एक दिलचस्प खेल लगेगा जिससे आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ दिलचस्प करें जिसमें आपका मन लगे। यदि आपका काम इतना नीरस है कि उसे दिलचस्प बनाने का कोई उपाय ही नहीं है, तो या तो काम बदल ले या फिर किसी विशेषज्ञ से उसे दिलचस्प बनाने का कोई उपाय पूछ ले। आप काम के अंत में खुद को पुरस्कार का लालच भी दे सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि काम पूरा होने पर आप टेबल पर पैर रखकर हॉट चॉकलेट पिएंगे या कोई फिल्म देखेंगे या पसंदीदा डिनर करेंगे, तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और काम में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इतना ही क्यों, अपने आर्थिक लक्ष्य को याद करते रहें और यह कल्पना करें कि उसे प्राप्त करने पर आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। लक्ष्य हमारे पैरों को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और हमें कष्ट सहन करने का संबल प्रदान करते हैं। यदि आपका सपना पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सापेक्षता का सिद्धांत कभी ना भूलें। दूसरों को लगेगा कि आप दिन रात खामखा मेहनत कर रहे हैं, जबकि आपको उनकी तरह मजे करने चाहिए, लेकिन आपको यह दिखेगा कि आप दिन रात मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वह समय जल्दी ही आएगा जब आप अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सारी जिंदगी मजे करेंगे। यही सापेक्षता है। एक को वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरे को भावी सुख। चुनाव आपका है। एक आयरिश कहावत है, जब ईश्वर ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया था। हेलेन रोलैंड ने कहा था,
अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत को 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मूर्ख बना देती है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है।